वेलकम टू ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन की स्टॉक के बारे में। टाइटन का जो शेयर है वो नीचे के लेवल से बहुत अच्छी इसमें तेजी हुई रिसेंटली डेज पे, बट अब ये अपने कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच चुका है। जिन लेवल्स पे अभी ये रुका हुआ है वो इसका बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ से इसमें एक रिवर्सल की, एक यू टर्न की बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उस लेवल को नेक्स्ट वीक के लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप नोट करके रखेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके चार्ट में चलते हैं। तो ये टाइटन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने है, और इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जब जब ये ऊपरी लेवल्स को जब जब इसने टेस्ट करने की कोशिश की है, चाहे वो अभी हो चाहे इसके पहले भी 2 बार ऐसा हुआ था, तो वहाँ से एक तेज गिरावट और रिवर्सल आपको देखने को मिला। चाहे हम इस पॉइंट की बात करें या अप्रोक्सीमेटली ये भी उसी एरिया में आके बड़ी फॉल हुई थी, या अभी ये वाली जितनी बार इस ऊपरी लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश की है वहाँ से एक रिवर्सल मिला है। फाइनल ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है, अभी भी ये जो 1604 1610 का लेवल है, 1604 से 1610-11 का जो लेवल है, एक शॉर्ट प्राइस एरिया है कुछ 6-7 रुपए का, ये जो एरिया है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है टाइटन के लिए। जब तक इसे ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे दे, इसमें नेक्स्ट वाली रैली या फिर तेजी नहीं हो सकती। तो जो लेवल हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ 1604 से 1611 तक के लेवल्स, इसे आप ज़रूर नोट करके रख सकते हैं नेक्स्ट वीक में भी, या फिर उसके भी नेक्स्ट वीक में। जब तक इन लेवल्स को ब्रेक करके टाइटन ऊपर में क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक नेक्स्ट वाली रैली नहीं होगी। और जैसा कि अभी रिसेंटली डेज में भी आप देख सकते हैं कि 1405 के लेवल से लगातार स्टॉक ने रैली की, ये लोअर लेवल से आप देख सकते हैं लगातार स्टॉक ने रैली की। फाइनली ये बुलिश कैंडल भी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ बना है, बट उसके बाद नेक्स्ट डे जो फिर से रैली हुई वो ऊपरी लेवल में सस्टेन नहीं हो पाया, और इस कैंडल का आप हाई देख सकते हैं 1614 का हाई लगा कि इस कैंडल में सेम डे क्लोजिंग हुई 1582 की। तो इसका मतलब जो लेवल है वो बहुत ही पावरफुल है, और उसके नेक्स्ट डे भी अगर आप गौर करें तो रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करके नीचे में क्लोजिंग, और लास्ट वाली कैंडल तो सीधे बेयरिश कैंडल ही आपको दिख रही है कि रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करने के बाद ही इसमें इतनी बड़ी फॉल आई। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी जो ऊपर में लेवल हमने डिस्कस किए वो स्टिल वैलिड है सेम तौर पे, और अगर फिर से इन लेवल्स पे टाइटन आपको दिखे तो यहाँ से आप शॉर्ट करके इंट्राडे में भी या फिर पोजिशनल वे पे भी फ़ायदा ले सकते हैं। और जो बायर्स हैं वो अभी बाइंग को अवॉइड करें टाइटन को, टाइटन में 1610-11 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट होने दें, अगर ऊपर में क्लोजिंग होता है तभी बाइंग की सोचें, वरना यहाँ से एक शार्प रिवर्सल की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और इस तरह के एडवांस में जो लेवल है वो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं अलग अलग स्टॉक में। उसका टाइमली बेनिफिट लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं यहाँ पर। और अभी रिसेंटली हमने इंडसइंड बैंक में भी जो प्रेडिक्शन है वो शेयर की थी यहाँ पर, और वो आप देख सकते हैं कि ये वाली वीडियो में आप जाके ज़रूर चेक करें। हमने जब ये बुलिश कैंडल आपको बिग वॉल्यूम के साथ दिख रही है यही बनी थी, तो उसके बाद हमने आपको कहा था कि 1019 से 1023 का जो लेवल है वो बहुत ही डेंजर रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद आप देख सकते हैं 2 दिन तक लगातार कैसे वहाँ से गिरावट हुई, और स्टॉक ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से लो लगाया 982 का। तो आई होप आपने इसका ज़रूर बेनिफिट लिया होगा, और इस तरह के और भी लेवल्स हम टाइमली डिस्कस करते रहते हैं अलग अलग स्टॉक में। उसका आपको बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें।